नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कोरोना वायरस का कहर बेशक अब कम हो चुका है और विश्व भर में इसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इस वायरस और इससे जुड़े रहस्यों को खोजने में जुटे हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि दक्षिण एशिया में मौजूद लोगों में एक जीन ने कोरोना को और भी ज्यादा जानलेवा बना दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक LZ-TFL1 जीन फेफड़ों को वायरस पर रेस्पॉन्ड करने के तरीके को बदल देता है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि यह अब तक पहचाना गया सबसे महत्वपूर्ण अनुवांशिक जोखिम वाला है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि 60% दक्षिण एशियाई लोगों में ये जीन मौजूद है, जबकि यूरोपीय देशों में यह सिर्फ 15% लोगों में ही मौजूद है। नेचर जेनेटिक्स जर्नल में गुरुवार को इस स्टडी को पब्लिश किया गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना के प्रभाव की व्याख्या कर सकती है। रिसर्च में पाया गया है कि यह जीन प्रमुख सुरक्षात्मक तंत्र को अवरुद्ध करता है, जो वायरस संक्रमण के खिलाफ फेफड़ों को रेस्पॉन्ड करने से रोकता है। रिसर्च में पता किया गया है कि जब ये कोशिकाएं सार्स कोविड-2 के साथ मिलती हैं, तो कोरोना संक्रमण की वजह बनती है। वो ये कम विशिष्ट कोशिकाओं में बदल जाती है। इसे वायरस आसानी से शरीर पर अटैक कर पाता है। जिन लोगों में LZ-TFL1 नाम का जीन मौजूद है, उन्हें वैक्सीनेशन से काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। रिसर्च में कहा गया है कि ऐसे लोगों में वैक्सीनेशन काफी अहम है। वैक्सीनेशन से गंभीर संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। वही अन्य स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी इस स्टडी को अहम बताया है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इसमें अभी और जांच की जरूरत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों में LZ-TFL1 नाम का जीन मौजूद है, उन्हें वैक्सीनेशन से काफी फायदा मिल सकता है। ऑक्सफोर्ड में जीनोमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर और कोलीड ऑथर जेम्स डेविड ने बताया है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश उपचार वायरस के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया में बदलाव पर केंद्रित है। डेविड और उनके साथियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कटिंग एज मोलिक्यूलर तकनीकी की मदद से इस जीन का पता लगाया है। डेविड का कहना है कि अगर आपके शरीर में यह हायर रिस्क जीनोटाइप है और आप COVID-19 के शिकार बन काफी ज्यादा बीमार हुए, तो इस बात की संभावना 50% है कि अगर आपके शरीर में यह जीन ना होता तो आपकी हालत इतनी ना बिगड़ती। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।